everyone I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel science zone today you follow tomorrow we lead and if you are new to my channel please hit the subscribe button given below and if you have not watched the previous videos you can click on the i button given above and today we are going to continue with the electrochemistry that is chapter number 5 of standard 12th from Maharashtra State Board Syllabus. So, this is chapter number 5 electrochemistry from Maharashtra State Board Syllabus. The topics to be covered in this chapter were this out of this, we are done with introduction, electric conduction, electrical conductance of solution, electrochemical cells, electrolytic cell, galvanic cell, electrode potential, and cell potential. Thermodynamics of galvanic cell, reference electrode, galvanic cells useful in day to day life. And today we are going to deal with fuel cells and electrochemical series. So, these are the two topics today we are going to study fuel cells and electrochemical series. So, let us begin with fuel cells. So, what exactly are fuel cells? सो द फंक्शनिंग ऑफ फ्यूएल सेल्स इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कम्बशन रिएक्शंस आर ऑफ रेडॉक्स टाइप एंड कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्यूएल सेल्स उस फैक्ट पे काम करते हैं कि कम्बस्शन रिएक्शन जो होता है वो रेडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन होता है तो कम्बक्शन रिएक्शन में रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों भी होता है और ये कम्बन्शन रिएक्शन आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं तो फ्यूल सेल्स में क्या होता है बेसिकली कम्बशन होता है और कम्बशन आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करते हैं तो फ्यूल सेल्स ऑर्डनरी गैलवॉनिक सेल से लिटल डिफरेंट है कि गैलवानिक सेल में रिएक्टेंट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बट फ्यूल सेल्स में वो सेल रिएक्टेंट सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते तो हमने गैल्वोनिक सेल पढ़ा है और उसमें देखा है कि इलेक्ट्रोलाइट और रिएक्टेंट्स जो दोनों हाफ सेल हैं उनके अंदर प्रेजेंट है बट फ्यूएल सेल्स में ऐसा नहीं होता फ्यूएल सेल्स में जो रिएक्टेंट होते हैं वो बाहर से सप्लाई किया जाता है तो देयर इज कंटिन्यूस सप्लाईज सप्लाइड टू इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम दी रिजर्वायर जो भी आपका रिएक्टेंट है वो कंटिन्यूसली आपके इलेक्ट्रोड को सप्लाई किया जाएगा बाहर से थ्रू रिजर्वायर बट गैलोविक सेल में आपके दोनों हाफ सेल के बीकर्स में ही आपके रिएक्टेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं पर फ्यूल सेल में बाहर से सप्लाई किए जाते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रोड को द सिंपलेस्ट फ्यूल सेल कंस्ट्रक्टेड इन नाउ इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आज हम स्टडी करेंगे और ये सबसे सिंपलेस्ट फ्यूल सेल है ठीक है इन दिस सेल वन रिएक्टेंट ऑफ फ्यूएल इज हाइड्रोजन गैस और मिंथॉल ठीक है तो एक रिएक्टेंट क्या होगा आपका ये सेल का हाइड्रोजन गैस या मिंथॉन और सेकेंड होगा ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा तो रिडक्शन किसका होगा हाइड्रोजन का और सॉरी ऑक्सीडेशन किसका होगा हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा ऑक्सीजन का क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीडेंट है ठीक है तो बेसिकली फी फ्यूएल सेल जो हम पढ़ने वाले हैं आज है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूएल सेल और उसमें कंबशन रिएक्शन होता है कंबशन रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और फ्यूएल सेल में पहले से रिएक्टेंट प्रेजेंट नहीं होते ओ बाहर से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोड को सप्लाई किए जाते हैं ठीक है ठीके? तो अब हम मूव करते हैं हमारा फ्यूएल सेल दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूएल सेल सो कंस्ट्रक्शन ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूएल सेल उसमें होता है एनोड और कैथोड जो आप देख सकते हो एनोड एंड कैथोड और वो बना है पोरस कार्बन रॉड से जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेशली डिवाइडेड प्लेटिनम मेटल होता है ठीक है तो ये एनोड है और ये आपका कैथोड है दोनों बना रहता है पोरस कार्बन रॉड से ये पोरस क्यों होता है कि उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम मेटल फिल किया जाए तो एनोड और कैथोड दोनों के अंदर दोनों के कार्बन रॉड में फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम मेटल फिल किया जाता है जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है तो ये प्लेटिनम मेटल का रोल क्या है इस रोड में कि वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है इलेक्ट्रोलाइट इस सेल का क्या है इसका इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस केओएच जो हॉट कंडीशन में प्रेजेंट होता है तो इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस केओएच जो हॉट कंडीशन में प्रेजेंट है और इस एक्स हॉट केज के अंदर आपका एनोड और कैथोड को इमर्ज किया जाता है डीप करके रखा जाता है हाइड्रोजन गैस पहले से नहीं प्रेजेंट है क्योंकि मैंने बताया रिएक्टेंट आपको बाहर से कंटिन्यूसली सप्लाई करना है हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली बाहर से सप्लाई किया जाता है एनोड की तरफ से और ऑक्सीजन गैस बाहर से कंटिन्यूसली सप्लाई किया जाता है कैथोड की तरफ से तो बेसिकली आपका ये फ्यूल सेल है जिसमें एनोड है कैथोड है एनोड है आपका हाइड्रोजन गैस जो बाहर से सप्लाई हो रहा है कैथोड पे है ऑक्सीजन गैस जो बाहर से सप्लाई हो रहा है और एनोड और कैथोड दोनों बना है फाइनली डिवाइडेड कार्बन रॉड से और उसके पोरस कार्बन रॉड से जिसमें फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम एज कैटलिस्ट प्रेजेंट है और आपका इलेक्ट्रोलाइट है एक्वेस के ठीक है यह रिएक्शन में जनरेट होता है वाटर क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कंबस होके बन कम्बशन होके बनता है वाटर जो यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है सो दिस इज बेसिकली योर कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल अब सेल रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन एट एनोड एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन और आप देख सकते हो एनोड पे हाइड्रोजन गैस सप्लाई किया जा रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोजन गैस का सो टू एच टू प्लस फोर ओ एच माइनस ओ एच माइनस कहाँ से आया के ओ एच से ठीक है ये बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, ये बन जाएगा के प्लस प्लस ओ एच माइनस तो आपका यहाँ पे टू एच टू प्लस फोर ओ एच माइनस विल गिव यू फोर वाटर प्लस फोर इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन एट कैथोड कैथोड पे कौन सा गैस है ऑक्सीजन गैस इसलिए ऑक्सीजन गैस का होगा रिडक्शन सो टू वॉटर प्लस एक्सटर्नल सर्किट थ्रू मूव करके आ जाएगा कैथोड पे और कैथोड पे जो ऑक्सीजन कंटिन्यूसली सप्लाई हो रहा है उसको रिड्यूस करेगा और बनाएगा फोर ओ एच माइनस सो बेसिकली आपका नेट रिएक्शन क्या हो गया फोर इलेक्ट्रॉन फोर इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल फोर ओ एच फोर ओ एच माइनस गेट कैंसल तो हो गया टू एच टू प्लस के हाइड्रोजन सेल में टू एच टू प्लस ओ टू गिव टू एच टू ओ सो ओवरऑल रिएक्शन इज कंबशन ऑफ हाइड एच टू टू फॉर्म लिक्विड वाटर तो एच टू कम्बस हो रहा है टू गिव यू लिक्विड वाटर और इस रिएक्शन की खासियत क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं रिएक्ट करते हैं वाटर देने के लिए तो हाइड्रोजन एक्चुअली रिएक्ट विद ओ एच माइनस टू गिव वाटर एंड ओ टू रिएक्ट द वाटर प्लस फोर इलेक्ट्रॉन टू गिव फोर ओ एच माइनस सो बेसिकली आपका जो फोर वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है वो डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ एच टू एंड ओ टू से नहीं बन रहा ठीक है वो हाफ रिएक्शन हो रहा है एनोड पे और अदर हाफ हो रहा है कैथोड पे सो दिस इज द सेल रिएक्शन नाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होता है इधर सो द केमिकल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ओ एच माइनस बॉन्ड जो ये ओ एच माइनस बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है उसके बनने के वक्त जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ठीक है जो ओ एच माइनस बॉन्ड बनने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो डायरेक्ट रिलीज होता है और फॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथ कम्बन रिएक्शन मीन्स एच टू विल बी कन्वर्टेड टू वाटर लॉन्ग विथ दी बॉन्ड फॉर्मिंग ऑफ ओ एच जब एच टू वाटर बन रहा है तो ओ OH एच जो बॉन्ड बन रहा है उसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होगी वो बन जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सेल को कंटिन्यूस सप्लाई आपको रखना है एच टू गैस का और ओ टू गैस का यदि आपने ये सप्लाई गैस के बंद कर दिए आपके इलेक्ट्रोड काम करना बंद कर देगा और आपका फ्यूएल सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बंद कर देगा तो आपको फ्यूएल सेल को एक्टिव रखना है तो आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एच टू एंड ओ टू गैस करते रहना है द सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो ऑफ कैथोड माइनस ई जीरो ऑफ एनोड यह तो फार्मूला आपको याद होगा पिछले इसमें हमने पढ़ा और ये इंपॉर्टेंट है सो ई जीरो दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ एनोड विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर वोल्ट माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री वोल्ट विच इज इक्वल टू और ऐसे जैसे आप देख सकते हो ये पॉजिटिव है ये ये और आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है वो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ पे होगा तो ये हो गया बेसिकली आपका वर्किंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल अब एडवांटेजेस ये फ्यूल सेल का एडवांटेजेस क्या है द आर सब्टी सप्लाइड टू इलेक्ट्रोड्स <coughs> जो भी आपके इलेक्ट्रॉन ये है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है वो कंटिन्यूसली सप्लाई किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन को वो पहले से आपके सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं जैसे गैलवानिक सेल में तो क्या होता है गैलवानिक सेल में क्या हो जाता है पहले से जब रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो रिएक्शन होते होते वो एक्मिलेट हो जाते हैं ठीक है और वो अक... बाय प्रोडक्ट्स एक्मिलेट होते हैं और आपके जो मेन रिएक्टेंट्स है वो खत्म हो जाते हैं और आपको सेल को फेंकना पड़ता है ठीक है डिस्कार्ड करना पड़ता है पर सेल में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि आप बाहर से सप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को आपका सबसे और वो जब खत्म हो जाएगा तो मतलब सप्लाई करना बंद कर दोगे तो रिएक्शन करना बंद कर देगा और आपको कभी भी आपके फ्यूल सेल को डिस्कार्ड नहीं करना पड़ेगा जैसे कैल्वोनिक सेल को करना पड़ता है सेकंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूल सेल में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर है H2 plus O2 गिव्स यू वाटर देयर सो वाटर जो है वो नॉन पोल्यूटिंग ये है केमिकल है करेक्ट सो देयरफॉर फ्यूल सेल डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन फ्यूएल सेल कभी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता क्योंकि उसमें बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो वाटर फूएल सेल इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा इफिशियंसी से बनाता है दैट इज अराउंड सेवेंटी परसेंट जो थर्मल पावर प्लांट से भी ज़्यादा अच्छा है ठीक है थर्मल पावर प्लांट का इफिशियंसी है फोर्टी परसेंट इलेक्ट्रिसिटी बनाने का बट फ्यूल सेल की इफिशियंसी है सेवेंटी परसेंट तो ये थ्री एडवांटेजेस है आपके फ्यूल सेल का फर्स्ट कि आपको फ्यूल सेल को कभी डिस्कार्ड नहीं करना पड़ता है सेकेंड उसका बाई प्रोडक्ट वाटर है इसलिए वो पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता थर्ड उसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की दैट इज सेवेंटी परसेंट बट दैर इज इवन अ ड्रॉबैक ड्रॉबैक ये है कि फ्यूल सेल को वर्क करने के लिए हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ती है और हाइड्रोजन गैस वेरी हजारडज टू हैंडल हाइड्रोजन गैस को हैंडल करना बहुत ही डेंजरस है और हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना भी बहुत कॉस्टली है इसलिए यही एक ड्रॉबैक है फ्यूल सेल का कि हाइड्रोजन गैस यदि हाइड्रोजन गैस को कोई और गैस से रिप्लेस कर पाए तो फ्यूल सेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ फ्यूल सेल फ्यूल सेल कहाँ यूज़ किए जाते हैं दे आर यूज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन ऑटोमोबाइल्स ठीक है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ऑटोमोबाइल्स में किए जाते हैं दे आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल पावर इन स्पेस प्रोग्राम स्पेस जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अधिकतर नाइन्टी नाइन परसेंट केसेज में फ्यूएल सेल से यूज किए जाते हैं उसका रीज़न ये है कि स्पेस क्राफ्ट क्राफ्ट में फ्यूएल सेल बहुत हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है ठीक है जो स्पेस क्राफ्ट है स्पेस प्रोग्राम से उसमें जो फ्यूएल सेल हम लगाएंगे वो बहुत हाई टेम्परेचर पर वर्क करेगा इतना टेम्परेचर हाई होता है कि जो वाटर जनरेट हो रहा है रिएक्शन में क्योंकि हमने देखा है फ्यूल सेल के रिएक्शन में क्या जनरेट होता है वाटर और ये वाटर जब जनरेट होता है तुरंत इवापोरेट हो जाता है क्योंकि फ्यूल सेल का टेम्परेचर इतना हाई होता है वो इतने हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है कि वाटर जनरेट होते ही इवापोरेट हो जाता है और इसी वाटर को कंडेंस करके प्योर फॉर्म में जो एस्ट्रोनॉट्स है वो पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसलिए फ्यूल सेल को स्पेस प्रोग्राम में यूज किया जाता है इसके दो यूजेस मतलब फायदे हैं पहला कि वो इलेक्ट्रिसिटी देता है सेकंड कि जो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है वो इतना हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है कि वो वाटर को इवापरेट करके उसको वापस कंडेंस करके एस्ट्रोनॉट्स प्योर फॉर्म में उसे ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और फ्यूएल सेल का फ्यूचर प्लानिंग ये है कि फ्यूएल सेल अभी आपके पावर जनरेटर्स में हॉस्पिटल्स होटल्स और होम्स में भी मिलने लगेंगे क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का विथ नो पॉल्यूशन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज ठीक है सो दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज ये सीरीज है क्या देखो द स्टैंडर्ड पोटेंशियल दैट इज ईजी रो ऑफ सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब ई जीरो ऑफ़ सेल तो द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉड्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो हमने एस एच ई का यूज़ देखा है एस एच ई को यूज करके हम लोग सेकेंड इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे सेल्स का बहुत सारे मेटेलिक सेल्स का स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिटरमाइन किया गया है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ठीक है और उस समय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखा गया था एनोड की तरफ और बाकी जो सेल्स से है उसके रखा गया था कैथोड की तरफ जहाँ पे उनके रिडक्शन पोटेंशियल को मेजर किया गया है सो दिस अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल ठीक है और ये जो इलेक्ट्रोड्स है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के जिस सेल रिएक्शंस को कंपेयर किया गया है उनको उनके डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल के हिसाब से एक सीरीज में अरेंज किया गया है और उस सीरीज को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो सपोज बहुत सारे मेटल्स है करेक्ट गोल्ड सिल्वर निकल, प्लैटिनम पैलेडियम बहुत सारे मेटल्स एन नंबर ऑफ मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉड्स हैं उन्हें कंपेयर किया गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ और आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल जीरो कंसिडर करके इन लोगों का स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिटरमाइन किया गया है और इन लोगों को एक सीरीज में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ई जीरो के हिसाब से उन्हें एक सीरीज में अरेंज किया गया है और उस सीरीज को कहा गया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अब की पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की खासियत क्या है द हाफ रिएक्शंस आर रिटर्न एज रिडक्शंस क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कहाँ पे रखा गया था एनोड की तरफ और बाकी जो भी जिसको भी हम डिटरमाइन कर रहे हैं जो गोल्ड सिल्वर निकल वो लोग को रखा गया था कैथोड की तरफ जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो इसलिए जो भी ई जीरो मिला है वो किसका है रिडक्शन का हाफ सेल आर एज रिडक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन्स अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन वेल रिड्यूसिंग रिएजेंट्स आर अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द हाफ रिएक्शन तो ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो आप अपने टेक्स बुक में ये चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट में जाके देख सकते तो हो ठीक है, 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 है तो यहाँ पे बेसिकली रखा गया है आपके राइट right साइड में और जो भी रिड्यूस हो रहा है उसको रखा गया है आपके लेफ्ट साइड में जो भी ऑक्सीडाइज हो, हो रहा है वो आपके लेफ्ट साइड में ठीके? और जो रिड्यूस हो रहा है वो राइट साइड में ठीक है और फिर बिलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द नेगेटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस एंड अबाउ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पॉजिटिव स्टैंडर्ड पोटेंशियल इंक्रीजेस तो ये है आपका एस एच ई दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और आप देख सकते हो एस एच ई का वैल्यू कितना कंसिडर किया गया है जीरो क्योंकि आर्बेट्री उसका वैल्यू हम जीरो कंसिडर है करते हैं तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जो भी है वैल्यू उसे पॉजिटिव कंसिडर किया है और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिसकी वैल्यू कम आई ई ज़ीरो उसको हमने क्या कंसिडर किया है नेगेटिव तो जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिसकी भी ई ज़ीरो वैल्यू ज़्यादा आई है दैट इज़ मोर देन जीरो दैट इज पॉजिटिव एंड देन लेस देन ज़ीरो दैट इज़ नेगेटिव एंड दैट इज प्लेस बिलो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जो भी पॉजिटिव है जो उसकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा आई थी उसको प्लेस किया गया अबाव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ओके ई ज़ीरो वैल्यूज अप्लाइड टू रिडक्शन हाफ रिएक्शन दैट अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज रिटन सो ई ज़ीरो वैल्यू हमें क्या बता रहा है ये ई ज़ीरो वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि हमने जो जो भी ये सब सेल्स हैं फ्लोरिन का इसका गोल्ड का सेनिनीम का क्लोरिन का प्लेटिनम का जो भी ये सेल्स है सबको हमने कहाँ रखा था कैथोड पे तो इसलिए हमने इसका क्या डिटरमाइन किया बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल ठीक है नाउ हायर द इजेर वैल्यू फॉर अ हाफ रिएक्शन इंडिकेट्स इट्स ग्रेटर टेंडेंसी टू अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ग्रेटर टेंडेंसी फॉर द सब्सटेंस टू गेट रिड्यूस तो जितना ज़्यादा इजीरो वैल्यू रहेगा उतना ज़्यादा वो रिएक्शन रिडक्शन की तरफ मूव कर सकता है उतना ज़्यादा वो सेल रिडक्शन दिखाएगा तो सपोज मैं अभी दो दो गैल्वनिक सेल की दो हाफ सेल बना रही हूँ निकल एंड प्लैटिनम को यूज़ करके ठीक है मैंने ग्लैलोनिक सेल के दो सेल हाफ सेल बनाए एक निकल और एक प्लैटिनम को यूज करके अब मेरा ये डाउट है कि मीनिकल को एनोड पे रखूँ कि प्लैटिनम को एनोड पे रखूँ करेक्ट क्योंकि मैंने दो हाफ सेल तो बना लिए ग्लैनिक सेल के अब मुझे ये डाउट है कि मैं प्लेटिनम को हाफ सेल एनोड पे रखूँ कि निकल को एनोड पे रखूँ तो एनोड बेसिकली क्या होता है एनोड पे बेसिकली होता है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन तो मुझे एनोड पे वो वाले सेल को रखना होगा जो ऑक्सीडाइज हो पाए और कैथोड पे वो वाले सेल को रखना होगा जो रिड्यूस हो पाए तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ये सारे क्या है रिडक्शन पोटेंशियल करेक्ट तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स उसको मैं रखूंगी कैथोड पे जिसका ऑक्सीड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसे मैं रखूंगी एनोड पे क्योंकि वो रिएक्शन फॉलो करेगा जिसका ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल कोर्स वो जल्दी रिड्यूस होगा और जिसका कम है रिडक्शन पोटेंशियल वो ऑक्सीडेशन दिखाएगा उसके बराबर से तो इसलिए ये देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आप ज़्यादा है तो मैं प्लेटिनम को रख दूँगी कैथोड पे मतलब वो रिड्यूस होने की उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है मतलब जिसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल ई ज़ीरो वैल्यू ज़्यादा है उसकी रिडक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और जिसका वैल्यू कम है उसकी ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसलिए मैं निकल को रखूंगी एनोड पे और इसलिए बना था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि जब आप दो सॉल्यूशन गैल्वनिक सेल में यूज कर रहे हो तो हमेशा से क्वेश्चन बना रहा कि किसे एनोड माने और किसे कैथोड तो विद द हेल्प ऑफ दिस ई जीरो वैल्यू यू कैन स्टडी दैट ई ज़ीरो वैल्यू जिसकी ज़्यादा है वो ऑफकोर्स रिडक्शन को ज़्यादा साथ देगा और जिसकी कम रहेगी एज कंपेयर टू दी अदर वो ऑक्सीडेशन को ज्यादा साथ देगा जो ऑक्सीडेशन को साथ देगा वो होगा एनोड जो रिडक्शन को साथ देगा होगा कैथोड ठीक है तो वही यहाँ पे लिखा the the value, reduce. और reduce हो रहा है मतलब वो क्या कर रहा है वो है आपके कैथोड पे एंड दी लोअर दी जीरो वैल्यू दी हाफ सेल कॉरेस्पॉन्ड टू ग्रेटर टेंडेंसी टू रिवर्स द रिएक्शन एंड सब्सटेंस टू गेट ऑक्सीडाइज और वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो है एनोड पे ठीक है तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा वाला हाफ सेल एनोड पे रखना है और कौन सा वाला कैथोड पे नो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो पहला तो एप्लीकेशन हमने अभी देख लिया कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि एनोड और कैथोड पे हमें किसे रखना है ठीक है अब एनोड पे एनोड पे हो क्या रहा है एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन मतलब वो खुद को क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज बट वो सामने वाले सब्सटेंस को कर रहा है रिड्यूस ठीक है तो हम इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेरा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा मेरा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है यह पहले समझना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद को ऑक्सीड खुद को रिड्यूस करे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा कैथोड पे क्योंकि कैथोड पे ही खुद को रिड्यूस करता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद को रिड्यूस करे पर दूसरों को ऑक्सीडाइज करे रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या जो होगा एनोड पे जो खुद को ऑक्सीडाइज करे पर दूसरों को रिड्यूस करे तो जैसे ही वर्ड एजेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के सामने लग जाए तो आप समझ लीजिए वो खुद के साथ उल्टा कर रहा है ठीक है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करता है और रिड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करता है अब देखो अब मैंने आपको बताया है जैसे ही हम सीरीज में नीचे की तरफ मूव करते हैं जैसे हम नीचे की तरफ मूव करते हैं ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है मतलब जिंक अपने आप को ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा एज कम्पेयर टू निकल करेक्ट जिंक अपने आप को ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा एज कंपेयर टू निकल क्योंकि इसकी वैल्यू ई जीरो की वैल्यू कम है और निकल की के ईजू की वैल्यू ज़्यादा है तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है वो खुद को रिड्यूस करता है और जिसकी वैल्यू कम रहती है ऑक्सीडाइज़ करता है तो जैसे हम सीरीज़ में नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये लोग खुद को ऑक्सीडाइज़ करेंगे मतलब दूसरों को क्या करेंगे रिड्यूस मतलब जैसे हम सीरीज में नीचे की तरफ मूव करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है सो रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्योंकि वो खुद को ऑक्सीडाइज़ कर रहे हैं इसलिए दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं और जस्ट इसका अपोजिट जब हम सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा अभी सपोज मैं कंपेयर कर रही हूँ आपके गोल्ड को आयन से तो गोल्ड खुद को रिड्यूस करेगा क्योंकि इसकी ई जीरो वैल्यू ज्यादा है और आयन की ई जीरो वैल्यू कम है इसलिए खुद को ऑक्सीडाइज करेगा करेक्ट तो गोल्ड खुद को क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है और आयन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो खुद को क्या कर रहा है रिड्यूस तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है इसका मतलब जैसे ही मैं सीरीज में नीचे से ऊपर की तरफ मूव करूंगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी बढ़ती है और ऊपर से नीचे की तरफ मूव करूंगी तो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी बढ़ती है ठीक है तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन तो आपका एप्लीकेशन क्या बताता ई जीरो वैल्यू एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो कैपेसिटी है ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज होती है क्योंकि वो खुद को ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाते ठीक है ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो खुद को ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ई जीरो ऑफ़ रिडक्शन कम होते जा रहा है और उसकी वजह से उनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा हो रही है तो ये दो वर्ड एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दोनों अपोजिट है इसलिए आपको ज़्यादातर ये कन्फ्यूज कर देता है करेक्ट तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो खुद को रिड्यूस कर रहा है और ये टेबल में आपको खुद को रिडक्शन की वैल्यू दिए हुए ठीक है खुद को रिड्यूस करते वक्त उसकी वैल्यू क्या है वो वैल्यू आपको दी हुई है तो खुद को रिड्यूस करते वक्त की वैल्यू यदि कम हो रही है मतलब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी उसकी जा... कम हो रही है ठीक है और उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा हो रही है क्योंकि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाला है खुद को रिड्यूस वो कम कर रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है करेक्ट तो वही चीज आपको यहाँ पे याद रखना है तो ई जीरो वैल्यू एंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये आप नोट डाउन कर लो जो अंडरलाइन है और द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ठीक है रिड्यूसिंग एजेंट का नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज होता है ये हो गया अब स्पॉन्टेनिसिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन गिवन रेडॉक्स रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है वो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता सकती है ठीक है स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस तो हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडाइनिक्स में बट अभी रेडॉक्स रिएक्शन गिवन एन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है वो कौन बताएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो सपोज यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ वापस कि आपको बता दू कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है तो यहाँ पे सपोज मैं प्लैटिनम और जिंक के दो इलेक्ट्रॉन लिए ठीक है थीके? तो मैंने प्लैटिनम और जिंक के हाफ सेल्स ले लिए अब किसको मैं एनोड बनाऊ किसको कैथोड तो वो हम इसे फिक्स करेंगे करेक्ट ये वाले वैल्यू से किस में से एनोड कौन बनेगा कैथोड कौन ई जीरो वैल्यू इसका ज्यादा है मतलब ये बनेगा मेरा कैथोड क्योंकि इसपे होगा रिडक्शन ई जीरो वैल्यू ज्यादा मतलब उसका होता है रिडक्शन और वो बनता है कैथोड इसका ई जीरो वैल्यू कम है तो ये बनेगा एनोड और इसका होगा ऑक्सीडेशन ई जीरो वैल्यू कम मतलब ऑक्सीडेशन करेक्ट तो ये प्लेटिनम मेरा कैथोड और जिंक मेरा एनोड अब ये जब ऐसे रहे मतलब जिसका ई जीरो वैल्यू ज्यादा है वो बने कैथोड और जिसका ई जीरो वैल्यू कम है वो बने एनोड तब रिएक्शन तब रेडॉक्स रिएक्शन होता है स्पॉन्टेनियस ठीक है तो ई जीरो वैल्यू जिसका ज्यादा होता है वो कैथोड बनता है और जो ई जीरो वैल्यू कम होता है वो एनोड बनता है जब ऐसा ही हो तब आपका रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस बट किसी स्टूडेंट ने सपोज इसका अपोजिट ही कर दिया उसने क्या किया प्लेटिनम को बना दिया अब एनोड और जिंक को बना दिया अब कैथोड इस केस में ये रिएक्शन हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस क्योंकि प्लेटिनम का ई जीरो वैल्यू ज्यादा था उसे तो कैथोड ही बनना था क्योंकि वो रिडक्शन ही करने वाला है और इसका जिंक का ई जेरो वैल्यू कम था तो उसे तो एनोड ही बनना था क्योंकि ऑक्सीडेशन ही करने वाला है बट ये तो अपोजिट कर दिया तो ये हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या चाहिए बेसिकली आपको स्पॉन्टेनियस के लिए ये चाहिए कि जिसकी ई जेरो वैल्यू ज्यादा हो वो बने कैथोड और उस पर हो रिडक्शन और जिसकी ई जेरो वैल्यू कम है वो बने एनोड और उसका हो ऑक्सीडेशन इन शॉर्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ई जीरो ऑफ सेल पॉजिटिव हो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रिएक्शन है जिसमें ई जीरो ऑफ सेल क्या होना चाहिए पॉजिटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ई जीरो ऑफ सेल होता है नेगेटिव अब मैं आपको प्रूफ करती हूं कैसे तो इस वाले रिएक्शन में अभी हमने एक फॉर्मूला लिख लिया था स्टार्टिंग में यहाँ पे वो फॉर्मूला है जो मैंने आपको बोला था नोट डाउन करने इक्वल्स टू देखो मुझे अभी यहाँ पे E0 जीरो ऑफ सेल इस कंडीशन में निकालना है तो E0 जीरो ऑफ कैथोड माइनस ई जीरो ऑफ एनोड तो प्लेटिनम का क्या है वन पॉइंट टू माइनस माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स थ्री और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा पॉजिटिव में और इसलिए इजीरो ऑफ सेल जब पॉजिटिव है तब रिएक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस बट इस कंडीशन में देखो आपने प्लेटिनम को एनोड पकड़ा है और जिंक को कैथोड तो ई जीरो ऑफ कैथोड दैट इज माइनस जीरो पॉइंट सेवन सिक्स थ्री माइनस इजीरो ऑफ एनोड दैट इज प्लस वन पॉइंट टू जीरो और इसको सो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव में इसलिए ई e सेल नेगेटिव होने की वजह से ये रिएक्शन हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस तो इसलिए जब ई सेल पॉजिटिव होता है जब ई सेल टोटल पॉजिटिव होता है तब आपका रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस और जब ई e सेल नेगेटिव होता है तब आपका रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि जिसका ई e ज़ीरो ज़्यादा है वो बने कैथोड और जिसका ई e ज़ीरो कम है वो बने एनोड और इस तरह से आप बता सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के कि कौन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा रिएक्शन कौन सा सेल रिएक्शन आपको स्पॉन्टेनियस है और कौन नॉन स्पॉन्टेनियस ठीक हाँ है अब यहाँ पे क्वेश्चन है एट स्टैंडर्ड कंडीशन वुड ए जी प्लस ऑक्सीडाइज मेटेलिक एम जी ठीक है स्टैंडर्ड कंडीशन पे सिल्वर मैग्नीशियम को ऑक्सीडाइज कर पाएगा कि नहीं ये आपका क्वेश्चन है अब आपको क्या करना है आपको देखना है कि सिल्वर क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है मैग्नीशियम को मतलब सिल्वर खुद रिड्यूस हो रहा है और ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम आपके एनोड पे है और सिल्वर आपके कैथोड पे पहले आपको यह पहचान आना चाहिए ठीक है सिल्वर ऑक्सीडाइज मेटेलिक मैग्नीशियम मतलब ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है मैग्नीशियम तो ऑक्सीडाइज मैग्नीशियम हो रहा है तो मैग्नीशियम हो गया आपका एनोड और सिल्वर उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है इसलिए कैथोड आपका हो गया सिल्वर तो अब आप सेल रिएक्शन लिखोगे पहले ऑक्सीडेशन दैट इज एम जी विल बी कन्वर्टेड टू एम जी टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन और सिल्वर रिड्यूस हो रहा है तो टू ए जी टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स टू ए जी टू इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन गेट्स कैंसिल ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन एम जी प्लस टू ए जी टू प्लस गिव्स एम जी टू प्लस प्लस टू सिल्वर ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन अब मुझे बताना है आपको कि ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं तो आप क्या करोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ जाओगे उसमें से आप सिल्वर और मैग्नीशियम की ई जीरो वैल्यू नोट डाउन करोगे सिल्वर का है प्लस जीरो पॉइंट एट और मैग्नीशियम का है माइनस टू पॉइंट सेवन वन फोर तो वही हमने यहां लिख दिया है मैग्नीशियम का ये सिल्वर का ये अब ऑफ़ सेल इक्वल्स टू जीरो ऑफ कैथोड इ जीरो ऑफ कैथोड माइनस ई जीरो ऑफ एनोड कैथोड है सिल्वर तो सिल्वर की वैल्यू नोट डाउन करो एनोड है आपका मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम की वैल्यू यहाँ नोट डाउन करो और ये जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिला पॉजिटिव में सो ई एम एफ ऑफ द सेल दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल इज पॉजिटिव एंडो द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है इसलिए ए जी प्लस ऑक्सीडाइज कर सकता है मेटेलिक मैग्नीशियम को सपोज इसका उल्टा दिया रहता क्वेश्चन कि एम जी प्लस ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या सिल्वर को तो ये होता आंसर नो क्यों क्योंकि ई जीरो ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन ई जीरो ऑफ सल्फर सिल्वर करेक्ट ई जीरो ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन ई जीरो ऑफ सिल्वर और इसके वजह से मैग्नीशियम सिल्वर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा तो आपको ये रिएक्शन कैसे आपको पता चल गया स्पॉन्टेनियस है कि नहीं क्योंकि और ये पॉसिबल है कि नहीं जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते हैं वही पॉसिबल होते हैं तो बेसिकली आपको सेल रिएक्शन लिखना है सेल रिएक्शन पे से आपको पता चल जाएगा एनोड कौन है कैथोड कौन है तो आपको पता इजी ऑफ सेल इक्वल्स टू इजी ऑफ एनोड माइ कैथोड माइनस ईजी ऑफ एनोड तो कैथोड का वैल्यू लिख दो यहाँ एनोड का यहाँ पॉजिटिव में आंसर आया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और वो पॉसिबल है एजेंट कैन ऑक्सीडाइज बिलो इट एंड एजेंट प्रेजेंट अबाउ इट तो सपोज मैं एग्जाम्पल लेती हूँ निकल का तो निकल सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है जो उसकी बिलो प्रेजेंट है सॉरी सो so, निकल जो है निकल इलेक्ट्रोड की बात करें तो निकल किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है कोबाल्ट को कैडमियम को एफी को क्रोमियम को ये सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है जो भी उसकी बिलो है बट निकल ये सबको ऑक्सीडाइज़ नहीं कर सकता जो उसके अभाव है क्योंकि निकल का E0 जीरो वैल्यू ये सबसे जो नीचे प्रेजेंट है वो सबसे क्या है ज़्यादा है इसलिए खुद रिड्यूस होगा और बाकी सबको क्या करेगा वो ऑक्सीडाइज बट निकल बा ऊपर वालों को सबको क्या कर सकता है ऊपर वाले सबको वो ऑक्सीडाइज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ईजेरू वैल्यू कम है तो आपको याद रखना है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई भी सेल आप कंसिडर कर रहे हैं तो वो वाला सेल उसके नीचे प्रेजेंट वालों को ऑक्सीडाइज़ करेगा बट उसके ऊपर प्रेजेंट वालों को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता नेक्स्ट कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट कैन रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोकेटेड अबाउ इट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इसका जस्ट अपोजिट करना है तो अब इसका जस्ट अपोजिट ये है कि निकल ऊपर वालों को प्रेजेंट वालों को रिड्यूस कर सकता है पर नीचे वालों को प्रेजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता तो निकल कैन रिड्यूस रिड्यूज बट निकल कैन ऑक्सीडाइज बिलो ये याद रखना है ठीक है निकल अबाव वालों को अबाव वाले सेल्स को क्या करेगा रिड्यूस पर नीचे वालों को क्या करेगा ऑक्सीडाइज तो सपोज मैं निकल वाले सेल के साथ दूसरा हाफ से ले लू सपोज सिल्वर का तो निकल के साथ मैंने दूसरा हाफ से ले लिया सिल्वर तो निकल खुद क्या होगा अभी निकल के यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और वो बनेगा एनोड और सिल्वर बनेगा कैथोड क्योंकि उसके यहाँ रिडक्शन होगा बट सेम निकल के साथ मैंने अब ले लिया जिंक तो सेम निकल ही लिया है निकल के साथ अब मैंने ले लिया है जिंक तो अब निकल का ई जीरो वैल्यू ज्यादा है इसलिए अब निकल बनेगा कैथोड और जिंक बनेगा एनोड ठीक है तो कोई भी मेटल फिक्स नहीं होता कि वो एनोडी रहेगा कैथोडी रहेगा वो डिपेंड करता है कि उसके साथ दूसरा हाफ सेल कौन सा है क्योंकि जो भी सेल आप चूज करोगे वो नीचे वाले सेल को क्या करेगा ऑक्सीडाइज और ऊपर वाले सेल्स को क्या करेगा रिड्यूस ठीक है तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्ट्रॉगेस्ट एंड वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो उसमें आप देखोगे फ्लोरिन सबसे टॉप पे है करेक्ट तो फ्लोरिन इज़ द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि वो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्ड यूज किया गया है और ई जीरो ऑफ फ्लोरिन सबसे ज़्यादा है इसलिए वो खुद को सबसे ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है और इसलिए दूसरों को सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज और लिथियम सबसे एंड में आप पाओगे तो लिथियम आयन जो है सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो सबसे कम अपने आप को रिड्यूस कर सकता है और वो सबसे कम अपने आप को रिड्यूस कर सकता है इसलिए दूसरों को सबसे कम ऑक्सीडाइज

ऑक्सीडाइज कर सकता है अपोजिट ही करेगा करेक्ट तो लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो खुद को सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कर सकता है और इसलिए दूसरों को ज्यादा रिड्यूस कर पाएगा और टेबल में जो सबसे टॉप पे रहेगा दैट इज फ्लोराइड आयन वो होगा सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है नेक्स्ट ये क्वेश्चन है फ्रॉम ई जीरो सेल वैल्यू गिवेन इन टेबल प्रिडिक्ट दैदर एस एन रिड्यूस आई टू और एन आई टू प्लस और ये मैं आपको लिए सॉल्व करने के लिए छोड़ देती हूँ और आपको ये क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन की तरह से मैं एक्सप्लेन करती हूँ देखो ये वा वो वाले क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन की तरह से सॉल्व करोगे तो आप पहले क्या करोगे पता लगाओगे कि आप एस को जब आप एस को कंपेयर कर रहे हो हाँ जब आप एस को कंपेयर कर रहे हो आई टू के साथ तब कौन एनोड है कौन कैथोड और जब आप एस एन को कंपेयर कर रहे हो एन आई टू के साथ तो कौन एनोड है कौन कैथोड ठीक है तो ये आपको पता लगाना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है आपको गिवन क्या है कि एस एन विल रिड्यूस आई टू और एन आई टू प्लस मतलब एस एन खुद क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज तो एस एन प्रेजेंट है आपके एनोड पे वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है ठीक है एसन कैन रिड्यूस मतलब वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है तो खुद क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज कब होता है वो एनोड पे तो एसन खुद प्रेजेंट है एनोड पे और आपको दो कंडीशन कंसिडर करना है एक टाइम में आई टू को लेना है आपको कैथोड पे, सेकेंड टाइम पे एन आई टू प्लस को लेना है आपको कैथोड पे, ठीक है फिर दोनों के सेल रिएक्शन लिखने हैं इस तरह से ही आपको दोनों के सेल रिएक्शन लिखने पड़ेंगे फिर दोनों की ई जीरो वैल्यूज लेने पड़ेंगे और फिर टोटल ई जीरो फाइंड आउट करना पड़ेगा ई जीरो फाइंड आउट करते वक्त ये याद रखना है कि आपके एनोड पे एस एन फिक्स है मतलब यहाँ पे जो ई ज़ीरो ऑफ़ एनोड है वो आपका फिक्स रहेगा और आपको कैथोड यहाँ पे चेंज करते रहना है पहले लेना ई ज़ीरो ऑफ़ आई और फिर ई ज़ीरो ऑफ़ जो भी दिया है ठीक है और उसके बाद देखना है कि टोटल ई ज़ीरो किस में पॉजिटिव आ रहा है और किस में नेगेटिव जिसका पॉजिटिव आएगा उसको एस एन कर सकता है रिड्यूस और जिसका नेगेटिव आएगा उसको ऐसे नहीं कर सकता है रिड्यूस तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देती हूँ और देखती हूँ कितने लोग मुझे इसके आंसर करेक्ट दे सकते हैं तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इस वाले ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं ठीक है आस योर डाउट एट जीरो फोर एट जी मेल डॉट कॉम एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन यू कैन इवन टेल मी आई विल गिव यू द सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू एनी डाउट एनी सजेशन एनी कॉमेंट यू नो दैट यू कैन आस्क ऑन Ask your doubt 04 at gmail.com or even in the comment box. And if you have liked my video, please give me a thumbs up and share this video to more and more of your friends. And before departing, always end the day with a positive thought, no matter how hard today was, because tomorrow is full of possibilities. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.